far has mobile software, subscribe now. जैसा कि दोस्त हमने देख कर समझ ही गए होंगे, अब आज मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। मिरेकल 2.82 का क्रैक मैं आप लाया हूँ आपके लिए। अभी इसको आप डाउनलोड नहीं करिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आसानी से आप डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्या इससे पहले जो 2.58 का जो क्रैक आया था ना, वो भी काफ़ी यूज़फुल था, लेकिन उसमें SPD थोड़ा प्रॉब्लम करता था। लेकिन इस वाले सेटअप में आप ठीक से समझ लेंगे इसको, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आपको SPD में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आपको मैं बता दूँ, एक और आया है, चल रहा है 2.89 क्रैक, उसको आप डाउनलोड नहीं करना, वो फेक है, पूरी तरह से फेक है। 2.89 जो बोल कर लिखा हुआ तो आपको दिखेगा 2.89, लेकिन वो है असल में 2.58 का ही वो क्रैक है, तो उसे आप डाउनलोड नहीं करना। ये जो मैं आपके लिए लाया हूँ ना, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये मैंने नहीं बनाया है, और ये GSM Extreme वालों ने लॉन्च किया है, और ये काफ़ी अच्छा टूल काम कर रहा है, तो मैं सिर्फ इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसा भी ये काम, इसका क्रेडिट आप GSM X वालों को ही क्रेडिट देना, मुझे नहीं देना। मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। हाँ है कि आप ये टेक्स्ट, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, काफ़ी काम करेगा, पूरा MTK पे काम करेगा। तो सबसे पहले इसको हम जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के फाइल, ये वाला एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद इसको हम रेड एस एडमिनिस्ट्रेशन करके इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, इसमें बूट काफ़ी सारे ऐड किए हैं एक्सट्रीम ने, मिरेकल की जो GSM Extreme है उसने काफ़ी सारे इसके ना बूट लॉन्च किए हैं, तो वो काफ़ी काम की चीज़ आने वाली है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश ही होगा यहाँ तो ओके दिया। और ये लॉन्च हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, वेलकम टू मिरेकल थंडर 2.82 क्रैक, ठीक। ये क्रैक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं रोज़ का एक वीडियो डेली अपने चैनल पर लाता हूँ, FRP अनलॉकिंग फ्लैशिंग से रिलेटेड जो न्यू मॉडल आ रहे हैं उससे सारे वीडियो आपको मेरे मिल जाएंगे चैनल पर। मैंने अभी 3-4 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, Oppo A3 इसका जो फ्री टूल है, उसका मैं भी आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वहाँ से आप इसको जाके देख लेना, और काफ़ी काम का आने वाला है। 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, Vivo Y83 Vivo Y81 वो सब मैंने बनाए हुए हैं उसके अंदर, वहाँ से आप इसको देख लेना, काफ़ी काम के आने वाले हैं। ये थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलिंग में टाइम ले रहा है, थोड़ा वीडियो को मैं पुश कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया इंस्टॉल, इसे यहाँ से हटा देंगे, अनटिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे, ठीक। अच्छा ये आ गया बन के हमारा, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा इसको हमें जो है ना रेड ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर करके ओपन करना है, तो वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। यस करेंगे, ये 10-15 सेकंड लेता है, देखिए इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। तो ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, GSM Extreme वालों ने पहले इसको पेड में लॉन्च किया था, उसके बाद इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया। थोड़ा सा ले रहा है टाइम ओपन होने में। ये देखिए 2.82 फील द प्रीमियम पावर। तो इसे पहले कनेक्ट बटन पे करना है क्लिक, उसके बाद इसके मैं आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ। MTK में चलते, MTK में ही ऑलरेडी 8 बूट तक है, बहुत बढ़िया है। Vivo Y83 अच्छा A83 भी इसका लॉन्च हुआ है, बहुत बढ़िया। देखें इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है ये, लेकिन नहीं रहा कि हम फेक यूज़ कर रहे हैं, लग रहा है जैसे बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस में, जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है मुझे, काफ़ी बढ़िया ये काम कर, लग नहीं रहा कि हम रिकैक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर यूज़ करें, डाउनलोड कर लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा। अच्छा एसपीडी एक बार चेक कर लेते हैं इसका, देखिए एसपीडी में भी काफ़ी सारे बूट हैं इसके अंदर। ओहो बहुत सारे बूट हैं। क्वालकॉम पे भी नज़र मार लेते हैं एक बारी। दोस्तों बहुत बढ़िया है, A57 तक सपोर्ट है, उससे भी नीचे सपोर्ट है, बहुत है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।